हेलो आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज जो मैं आपके लिए वीडियो कंटेंट लाया हूं, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड लेटेस्ट न्यू स्टॉक टू बाय नाउ। एक बेहतरीन स्टॉक जो पिछले कई दिनों से मोमेंटम में है, 1100 के लेवल्स को इसने ब्रेकआउट किया है और अब 1250 का टारगेट इंटैक्ट है स्टॉक के लिए मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर शॉर्ट टर्म टारगेट चाहिए तो आपका होना चाहिए 1150 के आसपास का। स्टॉक के लिए बेहतरीन स्टॉक है और एक ऐसा स्टॉक है जिसको मार्केट से कोई कनेक्शन नहीं है, निफ्टी सेंसेक्स कहीं भी जाए ये अपने ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है। और आज के दोनों स्टॉक्स में ऐसे ही रेकमेंड कर रहा हूँ। एक है पारस डिफेंस जो मार्केट से कनेक्टेड नहीं है, अपने ट्रेंड में चलने वाला स्टॉक है, और दूसरा है वरुण बेवरेजेस जो भी हम देखें स्पेसिफिकली अपने ट्रेंड में चलता है, मार्केट से इस स्टॉक को भी ज्यादा कुछ लेना देना है नहीं। वीडियो की शुरुआत में दो सर्विसेज का और भी देना चाहूंगा जो हम प्रोवाइड कर हैं। सबसे पहले YouTube लाइव में जुड़ जाइए 30 डेज YouTube लाइव में दोपहर को 3 बजे एवरी सैटरडे YouTube लाइव कंडक्ट होता है और उसमें 3 से 4:45 के बीच में आपके जितने भी डाउट्स हैं क्वेरीज हैं उस पर्टिकुलर YouTube लाइव के सेशन में कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसी समय उसके आंसर्स लीजिए। इस बार मैं सैटरडे को Q&A सेशन कंडक्ट नहीं कर पाऊंगा, उसके बदले संडे यानी 11 सितंबर को Q&A सेशन कंडक्ट होगा दोपहर को 3 बजे। दूसरा तरीका है 30 डेज 90 डेज दो तरीके की प्रोडक्ट्स है एडवाइस इन प्रोडक्ट में बैंक निफ्टी निफ्टी के ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, स्टॉक ऑप्शंस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंट्राडे एफएनओ बेस और डिलीवरी बेस आपके कॉल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को मैनेज किया जाएगा और साथ ही में इस वॉलेटाइल मार्केट में रेंज बाउंड मार्केट में कैसे स्टॉक सिलेक्ट करना है, कौन से स्टॉक्स को कहाँ एंट्री करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, ये सब कुछ आपको इस एडवाइजरी प्रोडक्ट में बताया जाएगा। तो जितनी जल्दी हो सके एडवाइजरी प्रोडक्ट में जुड़ जाइए, साथ ही में यूट्यूब लाइव में जुड़िए, डबल बेनिफिट के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी बेहतरीन बनाइए। वीडियो की शुरुआत में मार्केट का एक और व्यू ले लेते हैं। आज हमने देखा रेंज बाउंड मार्केट था और स्पेसिफिकली पूरे दिन, लेकिन जो ओपनिंग में डर था कि हम शायद 200 पॉइंट नीचे खुलेंगे, उसके बदले हम खुले करीबन 90 पॉइंट के आसपास और वहां से एक शार्प रिकवरी बनी। हमने ओपनिंग किया 17,535 के आसपास यानी 125 पॉइंट कल के क्लोजिंग से डाउन। कल का क्लोजिंग था हमारा 650 के आसपास का और इनफैक्ट आज का क्लोजिंग भी देखे तो स्पॉट निफ्टी ने क्लोजिंग किया 630, फ्यूचर निफ्टी ने दिया है 650। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी स्पॉट में क्लोजिंग आया 39,450 के आसपास का, जो कल का क्लोजिंग था 39,700 के आसपास का। और आज अगर फ्यूचर्स की बात करें बैंक निफ्टी तो 39,600 के ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है। कल वीकली एक्सपायरी ऑप्शन डेटा जिस हिसाब से देख रहे हैं यहाँ पे क्लियरली 17,700 और 17,800 के बीच में हम कल ऑप्शन एक्सपायरी देखेंगे, वीकली एक्सपायरी देखेंगे। और साथ ही में बैंक निफ्टी की बात करें तो 39,900 का स्पॉट लेवल्स होगा और 40,000 का फ्यूचर लेवल्स होगा जहाँ पे हम क्लोजिंग देखेंगे कल के दिन पे। आज डाउ जोन्स और नैसडैक में थोड़ा बहुत रिलीफ रैली बनता है क्योंकि करीबन 10 दिनों से ओवरसोल्ड टेरिटरी में आ चुके हैं नैसडैक और डाउ जोन्स इस समय। और अगर स्पेसिफिकली नैसडैक की बात करें तो 2016 के बाद कॉन्स्टेंटली 7 दिन पहली बार नैसडैक गिरा है। 2016 में 9 दिन था एक सिनारियो जहाँ पे नैसडैक कॉन्स्टेंटली 9 दिनों तक गिरा था और उसके बाद पहली बार 2022 में हमें देखने मिल रहा है कि करीबन 7 दिन तक नैसडैक कॉन्स्टेंटली गिरता है। तो अब यहाँ पे नैसडैक ओवरसोल्ड है, डाउ जोन्स ओवरसोल्ड है और क्योंकि हम अपने ट्रेंड में चल रहे हैं, हम अपने बुलिशनेस के साथ चल रहे हैं। और अगर एक ऐसा छोटा ट्रिगर जो डाउ जोन्स और नैसडैक आज रात को अगर पॉजिटिव बंद होते हैं तो वो ट्रिगर हमारे बुलिशनेस को और भी पावरफुल बना देगा। इस समय निफ्टी का अगर रेजिस्टेंस देखें तो 17,777 क्लोजिंग बेसिस पे, जिस दिन हमने 17,777 का क्लोजिंग मिल गया क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट निफ्टी में, हम सीधे 18,000 के लेवल्स को टच करेंगे। और बैंक निफ्टी में 40,150 का लेवल जिस दिन हमें क्लोजिंग बेसिस पे मिल गया, बैंक निफ्टी टच होगा 40,300 और 40,500 के लेवल्स का। तो इस समय लॉन्ग रहिए, बुलिश रहिए, अगर डिफेंसिव प्ले करना है तो पुट को हेज करके चलिए, लेकिन नेकेड पुट या नेकेड शॉर्ट बिल्कुल भी मत खड़ा कीजिए। वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे BBL का क्या डेटा एग्जैक्टली मैं दिखा रहा हूँ और साथ ही में मीडियम टू लॉन्ग टर्म जैसे मैंने टारगेट्स आपको कहे वो टारगेट्स आपको सेट करने हैं। शॉर्ट टर्म का क्या टारगेट होना चाहिए 1150 का, मीडियम टू लॉन्ग टर्म आपका टारगेट होना चाहिए 1250 से 1290 का। और जिस हिसाब से स्टॉक में एक रैली बना है 1100 के ऊपर का, अब ये ऑलमोस्ट कह सकते हैं रैली काफी दिनों तक आगे भी कंटिन्यू होगी और क्योंकि रिसेंटली काफी सारे डेवलपमेंट हुए वरुण बेवरेज में जो वीडियो में दिखेंगे तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। Q&A सेशन जैसे मैंने कहा इस सैटरडे को नहीं संडे को कॉन्टेक्ट होगा दोपहर को 3 बजे 11 सितंबर को YouTube लाइव में जुट जाइए। साथ ही में एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में और भी कुछ जानना है
तो मेरे मोबाइल नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, प्लीज मोबाइल पे कॉन्टैक्ट कीजिए और अपने इस पर्टिकुलर एडवाइजरी प्रोडक्ट के बारे में जानिए। वरुण बेवरेजेस की बात करें तो कल का क्लोजिंग 1090 के आसपास था और वहीं पे ये कॉल जनरेट हुआ है, टारगेट है 1290 के आसपास का, 18% की हाई दिख रही है यहाँ पे। और जिस हिसाब से टेक्निकली बात करें तो ब्रेकआउट हुआ है 9 डे और 20 डे ईएमए के ऊपर, ये डीएमए के ऊपर ये स्टॉक आ चुका है। और रिसेंटली जो एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ था, पेप्सिको बॉटलिंग प्लांट टू कम इन प्रयागराज, ओवर 1200 पीपल टू बी एम्प्लॉयड। रिसेंटली ये इस पर्टिकुलर एक पेप्सिको का प्लांट आ रहा है जिसमें करीबन 1200 एम्प्लॉयज रिक्रूट किए जाएंगे और इस वजह से भी वरुण बेवरेजेस में यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था। रिसेंटली एक करीबन 10 से 12 स्टॉक्स की लिस्ट आए थे जिसमें आने वाले अगस्त यानी अगस्त 2023 के लिए कौन से स्टॉक एक साल के लिए आपको होल्ड करने चाहिए जहाँ पे अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, उसमें से एक वरुण बेवरेजेस का नाम था जिसका यहाँ से एटलीस्ट 20% एक डिफेंसिव टारगेट आप लेके चल सकते हैं इस करंट लेवल से। क्वार्टर वन के रिजल्ट्स जो रिसेंटली आए थे वरुण बेवरेजेस के, वो भी बढ़िया थे। 99.55% ईयर ऑन ईयर सेल्स ज्यादा था और वैल्यूएशन थे 4955 करोड़ के आसपास, पिछले साल था 2480 करोड़, इस बार आया है 4950 करोड़ के आसपास। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट देखे तो पिछले साल से 155% ज्यादा है, पिछले साल 308 करोड़ था, इस बार 780 करोड़ है। ईबीटा की बात करें तो 111% ज्यादा है, पिछले साल था 595 करोड़, इस बार है 1261 करोड़ के आसपास। पिछले 5 दिनों का चार्ट पैटर्न देखे, बॉटम है 1020 का, हाईएस्ट पॉइंट है 1120 का। 1 महीने का चार्ट पैटर्न देखे तो बॉटम है 908 का, हाईएस्ट पॉइंट है 1120 का। 3 महीने का बॉटम 720 का और हाईएस्ट पॉइंट है 1120 का। प्राइस एंड वॉल्यूम डेटा देखे तो 25 लाख का आज के दिन पे ट्रेडिंग वॉल्यूम है, पूरे महीने की बात करें तो 18 लाख का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, 10 लाख की डिलीवरी क्वांटिटी देखी गई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर्स के पास 63%, पब्लिक होल्डिंग से करीबन 6%, एफआईएस की होल्डिंग है करीबन 25% के आसपास, 24% के आसपास, और अगर डीआईएस की बात करें तो 5.3% के आसपास। मंथ ऑफ ऑगस्ट देखें, 2 म्यूचुअल फंड कंपनी ने बाय किया है, 8 म्यूचुअल फंड कंपनी ने सेल किया है। क्वांटिटी प्रॉफिट बुकिंग में आई जो आई है वो है 1540,000 शेयर्स, तो 1540,290 शेयर यहाँ पे सेल किए गए हैं बाय द म्यूचुअल फंड कंपनी इन द मंथ ऑफ ऑगस्ट फॉर द वरुण बेवरेजेस स्टॉक। लेवल सिस्टम है 67 है RSI, 70 है MFI, यानी दोनों ही न्यूट्रल जोन से ऊपर है लेकिन अब तक वर्कआउट नहीं हुआ है। बढ़िया स्टॉक है वरुण बेवरेजेस, अपने फोकस पे रखिए और अगर आपका ऑब्जेक्टिव मैच होता है तो जरूर वरुण बेवरेजेस और पारस डिफेंस में इन्वेस्ट कीजिए। पारस डिफेंस का शॉर्ट टर्म टारगेट होना चाहिए 760-790 और वरुण बेवरेजेस की बात करें शॉर्ट टर्म टारगेट 1150 का आप लेके चल सकते हैं। आपके स्क्रीन पे आपको मेरा मोबाइल नंबर, मेरा ईमेल आईडी, मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फ्लैश हो रहे हैं, साथ ही मेरे वेबसाइट का नाम फ्लैश हो रहा है। अगर आपको इक्विटी में, कमोडिटीज में, करेंसी में, किसी भी सेगमेंट में इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेनिंग लेना है या फिर ट्रेडिंग करना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में एक्जिस्टिंग पोर्टफोलियो के लिए कोई कंसल्टेशन कोचिंग की जरूरत है, वेबसाइट पे लॉग इन कीजिए, कंसल्टेशन कोचिंग बुक कीजिए, एक्जैक्टली आपको आपके हर एक प्रॉब्लम का उस कंसल्टेशन कोचिंग में सोल्यूशन मिल जाएगा। थैंक यू।